पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप का बहुत सारे यूज़र के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि आपका जो आईडी है वो आईडिया भी बैन किया जा रहा है, ठीक है। और एक्चुअली गाइज व्हाट्सएप का आईडी जो होता है, गाइज आईडी बैन क्यों करता है, व्हाट्सएप का जो कंडीशन होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, अगर हम वो मतलब वो कंडीशन जो होता है, कंडीशन अगर हम नहीं मानते और बार बार अगर कोई बंदा या फिर बहुत सारे लोग अगर आपके आईडी पर रिपोर्ट करे, तो आपका जो ये आईडी है, आईडी टर्म्स एंड कंडीशंस के तौर पे आपके आईडी पे बैन दिया जाता है, ठीक है, बैन लगाया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पे गाइस आप जो है अभी व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आपके आईडी के साथ भी ये वाला कुछ ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दिखा रहा है दिस अकाउंट कैन नॉट यूज़ व्हाट्सएप, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको भी शो हो रहा है, तो ये शो की हो रहा है, और ये क्या करने से आपका अकाउंट जो है फिर से ओपन हो जाएगा वही आज इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो गाइस फिलहाल क्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ अभी भी नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा है, इस तरह का लिखा देता है दिस अकाउंट कैन नॉट यूज़ व्हाट्सएप, और नीचे लिखा देता है कि रजिस्टर न्यू नंबर, ठीक है। आपका जो पुराना नंबर है गाइस, पुराना नंबर से आप व्हाट्सएप अभी नहीं चला सकते, ठीक है। तो कभी गाइस अभी ऐसे सिचुएशन पे आपको करना क्या है, मेरे तो अभी भी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, ठीक है। जिसका सलूशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सीधा क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, ठीक है। तो गाइज इस प्रॉब्लम का सुधार करने के लिए आपको करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाके यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सएप हेल्प सेंटर, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करेंगे, आपको पहले नंबर पर जो ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइज अगर आप नीचे कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर मंगा जाएगा, जिस नंबर अभी आपको ब्लॉक कर दिया गया है उस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे नंबर डालने का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको वो नंबर डाल देना है जो नंबर अभी आपका बैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ईमेल भेजना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ईमेल डालना है नीचे वही ईमेल डालना है, इस ईमेल पे आपको एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सा सेट है, ठीक है, हैंडसेट कौन सा है, एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है या फिर डेस्कटॉप है, जो भी है, जहाँ से आपका अकाउंट बैन किया गया, मतलब जहाँ से आपका नंबर बैन किया, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं एंड्रॉयड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ मैसेज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज लिखने के बाद गाइस यहाँ पे मैसेज आपको क्या लिखना है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन देख के आपको यह लिख लेना है।